यीशु के पूरे जीवन का जो पूरा घटना हुई वो सारा दिखाया है वीडियो में। वेलकम टू रियल एक्सीडेंट विद पीके। दोस्तों आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज क्रिसमस डे है तो दोस्तों हम लोग चर्च आए हुए हैं झांसी की, देखिए सेंट जूट में आए हुए हैं। दोस्तों आइए चलते हैं, आज ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चर्च में आज काफ़ी भीड़ है, ये इसकी एंट्री है और हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये देखिए एक बैनर लगा हुआ है साइड में और काफ़ी भीड़ है। संग मेरे संग मेरा फ्रेंड संजीव और मेरा भाई ईश्वर भी है। संजीव भाई आप चर्च में पहले आए हैं कभी? नहीं नहीं। तो संजीव भाई का भी फर्स्ट टाइम है। और दोस्तों मैं भी इस चर्च में पहले नहीं आया हूँ, मेरे घर के पास में जो चर्च है उसमें तो मैं जाता रहता हूँ कभी कभी, पर इस चर्च में मैं पहली बार आया हूँ। और दोस्तों ये चर्च जो है झांसी की सबसे बड़ी चर्च है। सो दोस्तों देखते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है आज, देखिए यहाँ पे पार्किंग है बाइक की साइड में। और काफ़ी ज़्यादा लोग आज आए हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों तो पीछे जो बिल्डिंग है उसमें यहाँ का जो स्टाफ वगैरह चर्च का वो लोग रहते हैं। ये बिल्डिंग मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। और दोस्तों सामने है चर्च, देखिए थोड़ी सी दूरी पर है, दिख रही होगी। तो दोस्तों मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आगे देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पे आज। और रंजीत भाई अपने कैंडल ले ली थी, वो कहाँ गए? कैंडल ले ली थी, बाहर ही मिल गई थी। और अब देखते हैं आगे अंदर की चर्च की, देखिए काफ़ी डेकोरेशन है, ऊपर बलून से डेकोरेशन की गई है, देखिए काफ़ी सुंदर डेकोरेशन है दोस्तों। और ये एक छोटी छोटी झांकियाँ भी बनी हुई हैं साइड में। तो दोस्तों अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर के चर्च को कैसे डेकोरेट किया गया है।
तो दोस्तों देखिए काफ़ी ज़्यादा बलून की डेकोरेशन है ऊपर, और अब हम लोग चर्च के पास आ चुके हैं और ये सीढ़ियाँ जो लगी हुई हैं वो चढ़ रहे हैं। और ये इसका देखिए फ्रंट गेट है जिससे हम लोग एंट्री लेंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है दोस्तों देखिए चर्च में। दोस्तों हम लोग चर्च के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लोग हैं। दोस्तों देखिए पीछे ईशा की मूर्ति लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ है चर्च में। मैं आपको बैक से अच्छे से इसका सारा सीन दिखाता हूँ। तो हम लोग चर्च के दर्शन कर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। संजीव और ईश्वर भी संग में ही है। काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ हो चुकी है चर्च में देखिए। तो दोस्तों आज का मौसम भी काफ़ी क्लियर है। तो चर्च हम अंदर घूम चुके हैं और अब और आगे चलते हैं। बढ़िया संजीव भाई फोटो का भी खूब कलेक्शन बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी है और अभी टाइम शायद कुछ 1 बज गया होगा शायद टाइम, और तो अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। काफ़ी सिक्योरिटी भी है, हर जगह पुलिस खड़ी हुई है। तो हमने भगवान ईश्वर का प्रसाद ले लिया है और प्रसाद को खाते हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी इस चर्च में आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। संजीव भाई इसमें मिर्ची भी है। मिर्ची भी संजीव भाई को हरी मिर्ची भी मिली है प्रसाद में। तो दोस्तों प्रसाद भी काफ़ी टेस्टी है। अब इस प्रसाद को खाने के बाद दोस्तों फिर आगे हम और घूमते हैं और आगे ब्लॉक में मिलते हैं। दोस्तों ये जो है
ये चर्च का बैक गेट है और फ्रंट गेट से हम लोगों ने एंट्री ली थी। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ है, यहाँ पे पानी के लिए नल वगैरह लगे हुए हैं पीने के लिए। चर्च घूम चुके हैं और संजीव भाई पीछे हैं जो पानी पी रहे थे, और साथ में ईश्वर भी पीछे है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं पार्क में, जहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह बने हुए हैं तो वो देखते हैं। तो दोस्तों संजीव और मेरे आ चुका है, संजीव भाई पीछे फ़ोन चला रहे हैं। सो साइड में मेरे एक गार्डन है और मेरे राइट हैंड पे जो है एक गार्डन है जो कि काफ़ी यहाँ पे रोज़ वगैरह लगे हुए हैं। देखिए तो दोस्तों आगे चलते हैं और कुछ स्टैचू बने हुए हैं वो उन्हें देखते हैं। दोस्तों स्टैचू जो बने हुए हैं मैं आपको बैक कैम से दिखाता हूँ, इसमें भगवान ईश्वर की पूरी जीवन की एक झांकी है। दोस्तों इस तस्वीर में भगवान यीशु को प्राण दंड देते हुए दिखाया गया है और इसमें ईश्वर के ऊपर एक उनके कंधे पर भारी क्रूज रख दिया जाता है और इसमें पहली बार वो क्रूज के नीचे दिखाए गए हैं इस तस्वीर में। इस तस्वीर में दोस्तों ईश्वर अपनी माँ से मिलते हुए, भेंट करते हुए उनसे। इसमें जो शिशुपनी है, शिशुपनी सीमोन क्रूज देने में यीशु की सहायता कर रही हैं। दोस्तों इस तस्वीर में देखिए ब्रोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है। और कपड़ा लिए दोस्तों इसमें दूसरी बार यीशु को क्रूज के नीचे रखा जाता है। इस तस्वीर में दोस्तों यीशु की जो स्त्रियां रहती हैं यरूशलेम की, वो बलाप कर रही हैं, दुख जता रही हैं यीशु के प्रति। इसमें दोस्तों फिर से यीशु को क्रूज के नीचे दोबारा से किया जाता है। और दोस्तों इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे भगवान ईश्वर के जो है कपड़े उतारे जाते हैं उनके। और दोस्तों इस तस्वीर में भगवान यीशु को जो क्रूज पर कीलों से उनके हाथ और पैरों को ठोक दिया जाता है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें जो क्रूज पर ठोक दिया जाता है उसके कुछ समय पश्चात भगवान ईश्वर की जो है मृत्यु हो जाती है उस पर क्रूज पर ही। और दोस्तों इसमें यीशु जो है भगवान अपनी माता की गोद में लिटाया जाता है, उनकी गोद में वो अंतिम क्षण पर लेटे हुए हैं। और दोस्तों ये जो लास्ट आप देख रहे हैं इसमें भगवान ईश्वर को कब्र में दफनाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा दिखाया गया है सीन।
तो दोस्तों हम लोगों ने फुल चर्च को घूम लिया है और मैंने आपको पूरे यीशु के पूरे जीवन का जो पूरा घटना हुई वो सारा दिखाया है वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को मैरी क्रिसमस, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।